एक लड़की वाले को पता चला कि लड़का बाप का एक लौता बेटा है, बहुत अच्छा है। ओहो, अगर मेरी लड़की की शादी उससे हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। एक आदमी को साथ दिया, लड़की की तस्वीर लिया और चला उसके घर पे, चला पूर्णिया पहुंचा, लड़के वाले के घर पे पहुंचा, सलाम दुआ हुई, लड़के वाले ने बिठाया, बोला कहाँ से आए, बोला कि हम गढ़बनेली से आए हैं, पता चला कि आपका बेटा है, इकलौता बेटा, मेरी भी इकलौती बेटी है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बोला कि हाँ हाँ ये बात तो सही, लेकिन आपकी लड़की हम लोगों को पहले पसंद आना चाहिए। बोला पसंद, मेरी लड़की पसंद आ जाएगी। निकाला फोटो, दिखाया, देखा लड़के के बाप ने, लड़की खूबसूरत थी, पसंद आ गई। बोला हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दिए। लड़का को दिखाया, लड़का को पसंद आ गया। लड़का बोला लड़की बहुत खूबसूरत है, हम इसको अपनी बीवी बना लेंगे, हम शादी कर लेंगे। बेटी वाला खुश हो गया कि चलो मेरी बेटी को दोनों बाप बेटे ने पसंद कर लिया। अब थोड़ा लेन देन की बात कर ले, वो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था बाहर से। क्या पढ़ के आया था? तो लड़की वाला लड़के के बाप से बोला कि समधी, अब तो मेरा आप समधी हो ही जाइएगा, जहेज में की लेवा? बोला हमरा कुछ नहीं चाहिए। लड़का को पूछा, लड़का एमए उम्मे छे, लड़का को सामने बैठा, बोला बेटा क्या लेगा, टाइटन घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोलो। तो लड़का संस्कृत में बोला ना हा। बोला क्या बोला भाई? ये ना बोला कि हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था वो बोला, फिर पूछिए, संस्कृत में बोला, तो बेटा क्या लेगा? कूलर लेगा, कूलर कूलर। तो लड़का बोला ना हा। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा है। लड़की वाला बोला फिर क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। लड़का बोला ना हा। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोलो की नहीं बे, बात समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो क्या लेगा। तो लड़का बोला या मा हा। हेलो, बात समझ में आ गई। ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। इंशाल्लाह आप लोग वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। आज जो ले लिए हो वो रिटर्न होगा कि नहीं होगा? वो रिटर्न नहीं होगा। मौजूद सामने के राम, वक्त की किल्लत है, बहुत तेज़ी के साथ ये घड़ी वो क्या कहते हैं कि अपना काम करती हुई चली जा रही है, वक्त करीब होता चला जा रहा है। एक घंटे के अंदर में हमको अपनी बात को समेटना है। तो मौजूद सामने के राम, ये मदरसे का जलसा है, और मदरसा देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। सबसे पहला मदरसा अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबी में वो असहाबे सुफा का मदरसा कायम किया, वो मदरसा खोला। कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम थे, हजरत ज़ुबैर थे, हजरत तलहा थे। पढ़ने वाले सहाबी थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो किताब अल्लाह का कुरान था। वो अल्लाह का क्या था? भाई बोलो भाई क्या है? वो अल्लाह का कुरान था। नौजवानों, आज तो हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, आज तो हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। आज हम शिकायत करते हैं, हजरत दुआ कीजिए, हजरत कोई तावीज़ दे दीजिए, मेरे घर में बरकत नहीं है। अरे बरकत वाली किताब को तुमने पढ़ना छोड़ दिया है, बरकत तुम्हें मिलेगी कहाँ से? खैर वाली किताब को पढ़ना तुमने छोड़ दिया है, तुम्हारे घर में खैर आएगी कहाँ से? इसलिए कुरान की तिलावत करो नौजवानों। ये वो किताब है, जिस किताब को छू लो अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जिस किताब को देखो अल्लाह देखने का सवाब दे देगा, जिस किताब को अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा, जिस किताब को पढ़ोगे अल्लाह जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। इंशाल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे। और एक हदीस सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज अल्लाह की ला रही किताब, जिसके शुरू ही में है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी। आहा, इस किताब के अंदर में कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है, ना ऐसी किताब ना आई है।
ना सुबह क़यामत तक आएगी। ये वो किताब है अल्लाह का मुक़द्दस कलाम। और क़ुरबान जाओ नौजवानों, इस किताब को सुबह तिलावत करके घर से निकलो, शाम तक अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। शाम को तिलावत करके सो जाओ, अल्लाह सुबह तक तेरी हिफाजत करेगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में कुरान होगा। किसकी शक्ल में होगा? बोलो भाई बोलो। इंसानी शक्ल में होगा, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। तो अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा ये कौन है? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ महमूद कुरान का कारी है। क्या चाहता है? अल्लाह पूछेंगे, अल्लाह पूछेगा तू क्या चाहता है? तो वो कुरान कहेगा, या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था। आहा, नौजवानों कुरान नहीं पढ़े हो, ये मदरसा ही पैगाम देता है। रोज़ाना 10 मिनट निकालो ना, उम्र की कोई कैद थोड़े। मैंने 65 साल से लेकर 75 साल के 7 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। 7 बूढ़ों को, जिसकी उम्र 65 साल से 75 साल की उम्र थी, 6 महीने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ना सीख गया। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान वअल्लमहू। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। अफसोस का मकाम है, तुम कहते हो हम कुरान पढ़ने नहीं जानते। कैसा मुसलमान हो तुम, कुरान पढ़ना नहीं जानते हो? खाली गोश्त खाने वाले मुसलमान हो। शर्म आनी चाहिए इस बात बोलते हुए कि हमें कुरान पढ़ने नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? ये अल्लाह की लारेब किताब थी। कुरबान जाओ, हमें क्या करने के लिए अल्लाह ने पैदा किया था, हम कर क्या रहे? इंशाल्लाह सीखेंगे। अरे भाई बोलो भाई, हाथ उठा के बोलो भाई, सीखोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इधर वाले नहीं सीखेंगे? अच्छा ये लोग पढ़ा लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा लिखा है ये लोग, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है। एक नौजवान बम्बई में रहता था, वो घर आया, उसकी बीवी बोली कि आप की बार बम्बई आप जाइएगा, हम भी जाएंगे। बोला पगली तुम कहाँ जाओगी, बड़ा महंगा शहर, हम तुमको लेकर कहाँ घूमेंगे, तुम घरे में रहो। तो बीवी बोली कि हमको मन नहीं लगता। तो उसका शोहर बोला कि एक गाय खरीद के दे देंगे, चारा उरा खिलाना, उसी में तुम्हारा दिल बहलते रहेगा। एक गाय खरीद के बीवी को दे दिया, नौजवान बम्बई चला गया। ये टेलीफोन का ज़माना नहीं था उस वक्त, खत किताबत। लड़का थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, उसको बोलते कट पढ़ा। क्या था? हाँ, अब 2-3 महीने के बाद घर से खत गया। ये लड़का खत पढ़कर जारो कतार रोने लगा। तो उसका बगल का साथी बोला, अरे भाई क्या हुआ, खत में क्या लिखा, कोई हादसा हो गया? बोला भैया बहुत बड़का हादसा बैगली घरों में। बोले की बिली? बोला भैया गाय खरीदी के दिली ले, वो गाय छे नी बकरी भैगली, बकरी भैगली, गाय कहे बकरी है जी। बोले नहीं लिखल को जी ग्राम, लिखल को जी हमार बीवी गाय बकरी भैगली। तो लड़का पढ़ा लिखा तो बोले लिया खत हम पढ़ते हैं, कहाँ गाय बकरी भैगली। तो लड़का पढ़ा लिखा लड़का कि मुन्ना का अब्बा को मालूम हो घर में सब ठीक ठाक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई। बोले थे बिक्री लिखा हुआ? बोला हम समझ लिखे बकरी भैगली। हाँ हाँ, ये पढ़े लिखों की जमात है। तो मैं जिमा को हाजिर करना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये इनसे कुरान इंसानी शक्ल में आएगा। तो अल्लाह पूछेगा तू क्या चाहता है? कुरान कहेगा, या अल्लाह ये दुनिया में मेरी बहुत इज्जत करता था, बड़ा इकराम करता था, मुझे सीने से लगाता था, मेरी तिलावत करता था, तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, तो इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कह देगा तू क्या चाहता है? कहा कि या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो हुजूर की हदीस है कि अल्लाह कहेगा जा, इजाजत है। तो कुरान उस पढ़ने वाले, इकराम करने, मोहब्बत करने वाले के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, बोले दा माशाल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाल्लाह कुरान से मोहब्बत करोगे भाई? कुरान से मोहब्बत करोगे? कुरान कहता है जो हमसे मोहब्बत करेगा हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देंगे।
कुर्बान जाओ, मुझे पांच आदमी समझ में के अंदर में चाहिए, कुरान से मोहब्बत करने वाला, मदरसे से मोहब्बत करने वाला, अपने माँ बाप के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर। हम मुझे पता है कि आपने पहले ही चंदा दे दिया है, लेकिन हम खुदरा चंदा नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पांच अल्लाह का शेर चाहिए जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अजमत कुरान के लिए, कुरान की मोहब्बत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये देने वाला कोई पहला अल्लाह का शेर है कि हज़रत हम कुरान से मोहब्बत करते बे इंतहा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 5,000 रुपए हम इस मदरसे के अंदर में ताउन करेंगे इंशाल्लाह। ओनार जोन ने आमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए 10 दुआ होगी। यहाँ हमारे बहुत सारे कोलहिया भाई क्या कहते हैं तशरीफ फरमा है, बंगाली भाई तशरीफ फरमा है, शेख भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, अंसारी भाई हमारे तशरीफ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है ऐसा कोई पहला नौजवान, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, मदरसे वालों के हवाले कर देना। ए नौजवान, ये दुआ सस्ती है, 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, ये दुआ आज जो होगी बहुत सस्ती दुआ है, बहुत सस्ती दुआ है, दुआ करा लो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, पूर्णिया कटिहार पटना करते 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 बीमार अच्छा नहीं हो रहा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो, इंशाल्लाह 5,000 रुपये सदका करो, दुआ हो जाएगी अल्लाह तेरे बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। बच्चा बीमार हो, बीवी बीमार हो, घर के अंदर में कोई फ़र्द बीमार हो, या ख़ुद कहे ना तुम बीमार हो, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से मुकम्मल। मजरूल भाई हमारा 10,000 दिया है और 5,000 इस वक्त भी मतलब ये 5,000। नारे तकबीर है। नजरुल बाबू कहाँ? नजरुल बाबू, ए नजरुल बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये पहले दिए हैं नजरुल बाबू। नजरुल बाबू पहले 10,000 दिए तो हम चाहते हैं कम से कम अभी 11,000 दिए, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 20 दुआ करेंगे। ऐलान करे देवो नजरुल बाबू, हे माशाल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठा कर दो, हाथ नाला, नारे तकबीर नजरुल भाई, नजरुल भाई माशाल्लाह 11,000 टका नजरुल बाबू दिए छेन अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान अमल में खेत में खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा, अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा, इज़्ज़त व मरतबे में बरकत अता फरमा, अल्लाह उनके मरहूमिन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे, उनके वालदेन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह हमारे नजरुल बाबू ने 11,000 दिए, लेकिन मेरा सवाल वही 5,000 रुपये हो, है कोई दूसरा नौजवान 5,000 रुपए देने वाला? है कोई नौजवान? है, अरे माँ से मोहब्बत करने वाला, बाप से मोहब्बत करने वाला कोई ऐसा सखी है? अभी जिंदा है तेरी माँ, एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहां भेज देता है। कहां भेजता है बोलिए? अरे बोलो ना, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहां भेज देता है, झमेले खत्म हो गया। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है दूसरा नौजवान, एक नौजवान और खड़ा हुआ है माशाल्लाह, आ जा भाई आ जा, कहाँ चला गया भाई? है इंशाल्लाह दूसरा कोई नौजवान खड़ा होगा। देखिए
आदमी अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में उस वक्त कुछ देता है, सदका करता है, जब तक अल्लाह ना चाह ले। अल्लाह जब तक तौफीक नहीं देगा वो इंसान कार खैर का काम कर नहीं सकता है। तो अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा, अल्लाह जिसके पैसे को चुनेगा, जिस शख्स को चुनेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। 5000 रुपये का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कोई नौजवान तैयार है मेरे भाई? कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई ऐसा सखी नौजवान हो, 5000 रुपया, 5000 रुपये देने वाला दूसरे नंबर पर अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप की सालो सवाब की नियत से नाम पर या अपने बीवी के नाम पर देने वाला कोई ऐसा नौजवान दूसरे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला है? कोई दूसरा नौजवान है? है दूसरा नौजवान है कोई? भाई भाई ये पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, ये पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। एक बात याद रखना, ये अल्लाह को कर्जा दे रहे हो। ये अल्लाह और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मेरा अल्लाह इसका बदला क्या देगा? मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि जो एक नेकी करेगा, एक नेकी के बदले मेरे यहाँ 10 नेकियाँ हैं। जो एक रुपये खर्च करेगा मेरे रास्ते में, उसके बदले में उसे 10 रुपये अता फरमाया जाएगा। इसलिए अल्लाह का वादा, इन्ना वादा अल्लाह हकुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। दूसरा नौजवान कम अज़ कम एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई, एक आदमी और तैयार हो जाओ। है कोई नौजवान है हमारे कुल्हैया में से कोई नौजवान 5000 रुपये देने वाला? एक कोई सखी तैयार हो जा। है कोई दूसरा नौजवान 5000 वाला? बड़ी तेजी के साथ मेरा वक्त पूरा हुआ चला इंशाअल्लाह। दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह, एखाने दाड़िए दस्ते दुआ करबो। जो तो लोग बसे आछेन आमीन बोलबे अल्हम्दुलिल्लाह दुआ थेके अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान? नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अपनी माँ के नाम पर अरे घर जाओगे कम से कम अपनी माँ से तो बोलोगे, बाप से तो बोलोगे, अम्मी मैंने आपके नाम से 5000 रुपये मदरसे में ताबून कर दिया है, मैंने दान कर दिया है। अरे माँ का कलेजा कितना, माँ का कलेजा कितना, माँ के कलेजे में कितनी ठंडक पहुँचेगी, बाप का कलेजा कितना बड़ा हो जाएगा कि देखो मेरा बेटा मेरे नाम से मदरसे में चंदा दिया है, मेरा बेटा मेरे नाम से मदरसे में ताबून दिया है। माँ बाप का कलेजा ठंड, माँ बाप के कलेजे में ठंडक पहुंचेगी, अल्लाह तेरे कलेजे को ठंडक पहुंचा देगा। है दूसरा कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह? एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? मुझे तो चाहिए भाई, आपके खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, आप खामोश रहेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मुझे एक आदमी और चाहिए, 5000 वाला एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। कोई ना कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा तैयार होगा इंशाल्लाह, कोई नेक बंदा इंशाल्लाह, कोई सखी तैयार होगा। 5000 रुपए से आप गरीब नहीं हो जाओगे। ऐसा नहीं कि मदरसे के अंदर में 5000 चंदा दे दोगे तो चूल्हा बंद हो जाएगा, गरीब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरा चूल्हा बंद होने नहीं देगा, अल्लाह गरीब होने नहीं देगा इंशाल्लाह। उसत दौलत बढ़ती चली जाएगी, पैसा बढ़ता चला जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी बरकत, वहाँ भी बरकत, यहाँ भी कहते हैं कि इसका बदला अल्लाह देगा, आखिरत में भी अल्लाह इसका जजाए खैर बदला आता फरमाएगा। भाई दूसरा कोई नौजवान 5000 वाला एक आदमी इंशाल्लाह मुझे चाहिए। है कोई नौजवान? है कोई नौजवान? बड़ी तेजी के साथ एक आदमी और चाहिए भाई, 5000 वाला एक आदमी चाहिए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है भाई, कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए, 5 आदमी नहीं तो कम से कम 2 आदमी तो होना चाहिए। हमारे मंजूर बाबू तैयार हुए पहले नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे नंबर पे 5000 वाला कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई नौजवान है? अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। कोई है? अच्छा देखिएगा, अगर नगद नहीं है तो फोन पे का भी इंतजाम है माशाल्लाह। किसने दिया बेटा? माशाल्लाह, देखिए एक नौजवान ने, ये देखिए मेरे हाथ में 2000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इस नौजवान के सखी को कबूल फरमाए, अल्लाह इसके दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान में अमल में खेत में खलियान में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरा कोई नौजवान है? 5000 वाला मुझे चाहिए भाई, एक आदमी तो चाहिए।
5000 वाला एक आदमी तो चाहिए। जब तक आप तैयार नहीं होंगे मेरी बात पूरी नहीं होगी इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह, कोई तो होगा अल्लाह का चहीता बंदा, माँ बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई तो तैयार होगा इंशाल्लाह। 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, थोड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ थोड़ा सा हिम्मत पैदा कीजिए, कोई बड़ी रकम नहीं है इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 5000 वाला, ए देखिए पहला मेरा भाई तैयार हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये भाई का नाम क्या है, की नाम छिलो? मोहम्मद हनी भाई। 2000 दिया उसने और 3000 कल देगा। अच्छा कहाँ है वो? ए इधर इधर बेटा इधर। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए लड़का नाम क्या है, अब्दुल रहमान। ये देखिए अब्दुल रहमान साहब ने भी 5000 रुपये, 2000 रुपये नकद दिए, वो 3000 रुपये बाकी उन्होंने बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद हनीफ साहब, अब्दुल रहमान साहब, माशाल्लाह इन दोनों नौजवानों ने 5000 रुपये मौला तेरे महबूब के घर में ताउन किया। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल फरमा। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह रोटी रोजी में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह कौतो जन हो लो, अरे बोलो ना, तीन जन हो लो। अल्लाह नबीर कोटा यार, चट्टे यार, अल्लाह के नबी के चार यार थे, चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, ये हनीफ बाबू के तरह कोई नौजवान तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। अल्लाह मेरा इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ, 5000 रुपये का सवाल है। कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है, सोचते क्या हो? ओ अल्लाह, जिस अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, दौलत दिया है, एक बात याद रखना, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ का कमी नहीं है। आह, इसलिए नौजवानों सोचो मत अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए, कभी मत सोचना, सोचना मत। अल्लाह दिया रास्ते में खर्च करो, मेरा अल्लाह कहता है मैंने माल दिया है तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। चौथे नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जा भाई, है कोई नौजवान है? अच्छा इस सौदे को सस्ता करो इंशाल्लाह, 5 आदमी जुड़ जाए भाई, 5 आदमी जुड़ जाओ, दुआ लेकिन वही 10 होगी। 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं, ज़रा आइए इंशाल्लाह, पॉकेट में हाथ दिए। ये दुआ सस्ती है, मैंने कहा ना कि ये दुआ बहुत सस्ती है, ये जो दुआ हो रही है। मैं मुसाफिर हूँ और मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। घर जाकर अफसोस होगा, क्या सब दिया हम नहीं दिए, हमको भी चंदा दे देना चाहिए था। 1500 रुपये देने वाले कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई सखी नौजवान? 1000 रुपया 500 रुपया देने वाला अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह, अपने मरहूमिन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से 1000 रुपया या 500 रुपये देने वाला पहला कोई नौजवान जिसका नाम आ जाए। वाह बेटा वाह। ये देखो फोन नंबर, फोन पे, क्या नाम है? अकबर। देखिए फोन पे लीजिए हजरत, देखिए हमारे हजरत के मोबाइल में डालिए, फोन पे, फोन पे डालिए। देखिए अगर पैसा नगद नहीं है तो फोन पे, फोन पे है यहाँ, फोन पे है, गूगल पे, पेटीएम, खाली आप तैयार हुई यहाँ, यहाँ लेने के लिए तैयार है तो आप तैयार होइएगा तब ना। अल्लाह कबूल करे। माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। इस बच्चे ने 100 रुपये दिए, एक बच्चे ने 200 रुपये दिए, अल्लाह इन दोनों के देने कबूल अता फरमाए। अल्लाह आपका, आपकी इस मोहब्बत को कायम रखे, अल्लाह इसका जजाए खैर अता फरमाए। हाँ ये मोहम्मद जफर साहब हैं, ये ड्राइवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस के। ये लिखते हैं कि हज़रत मैं आपका यूट्यूब में प्रोग्राम देखता रहता हूँ और ये मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको हमेशा खुश रखे, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद खुर्शीद बाबू माशाल्लाह, नारे तकबीर। मोहम्मद खुर्शीद बाबू 1000 रुपये, अल्लाह खुर्शीद साहब के दान को कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। माशाल्लाह अब्दुल राशिद साहब, देखिए ये 600 रुपये नौजवान दिया है, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह कोरे दो बेटा, कहते कतो कर लो, 500। अच्छा इंशाल्लाह 500 रुपये ये लड़का फोन पे कर दिया। और कोई नौजवान भाई? 1500 रुपये देने वाला, 1500 रुपये देने वाला, तेज़ी के साथ आओ ना, फिर वक्त ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआ रह जाएगी, दुआ रह जाएगी मेरे भाई।
मोहम्मद सिराज बाबू, ये देखिए 1000 रुपये मोहम्मद सिराज बाबू, अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी कमाई में घर में बरकत दे, इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। अरे भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चले जाए चादर रुमाल लेकर, मेरे माँ बहनों तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है, तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर इस मदरसे के लिए ताउन करना, अल्लाह ताला इसका जजा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता। खैरुल अनाम माशाल्लाह 1000 रुपये, ये खैरुल अनाम साहब ने 1000 रुपये ताउन कर, अल्लाह इनके विदान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी कमाई में सेहत में ज़िंदगी में भरे में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला। माशाल्लाह ये लहसुना से जनाब डॉक्टर मोहम्मद मेराज साहब ने 1000 रुपये ताउन करे, अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के इस दान को कबूल फरमा, अल्लाह उनके हाथों में शिफाया भी अता फरमा, अल्लाह उनके वालदेन को जन्नत में आला साला मकाम अता। माशाल्लाह अब्दुल खलील साहब माशाल्लाह 500 रुपये, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत अता फरमा।